अल फैसल रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि इनकी कढ़ाइयां, इनके खाने, इनका दम्बो, इनका प्लेटर बहुत फेमस है आजकल, बड़ा और ट्रेंडिंग लगा देता हूं। इसको सेकंड ये कि भाई डिलीवरी कहां तक पॉसिबल है? सर डिलीवरी ऑल ओवर कराची। वाह भाई, आप मंदी अपने घर बैठ के यागादाबाद में मंगा लें, गुलशन में मंगा लें, क्लिफ्टन में मंगा लें, भाई पहुंचा रहे हैं। आधा किलो वाला पीस और ये एक किलो वाला पीस दोनों आ गए। पहला ये मेरे पास चटखारा बूटी इनकी आई हुई है अल फैसल रेस्टोरेंट की, और देखने में बड़े चटखारेदार लग रही है। और मैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई मैं आज मौजूद हूँ बल्दिया गांव में सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की रोड से। जैसे आप अंदर आते हैं तो राइट साइड पर आपको अल फैसल रेस्टोरेंट के नाम से मिलेगा। अल फैसल रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि इनकी कढ़ाइयां, इनके खाने, इनका दम्बो, इनका प्लेटर बहुत फेमस है आजकल, बड़ा और ट्रेंडिंग है। भाई इसको इसको टेस्ट करने और इसको डिस्कवर करने आए बिलाल भाई की दावत पे और हमारे दोस्त अशु भाई की दावत पे। इंशाल्लाह आपसे जो है वो कंप्लीट इसका मेकिंग, खाने का रिव्यू, सब चीज आपसे शेयर करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आ जाइए। अच्छा ये जो ना 1 kg का पीस है, ये हमारे स्पेशल मंदी है, और ये 1/2 kg का पीस है। अभी आपके लिए 1 kg का पीस निकालते हैं। सर आप ये बताइएगा कि आप ये पहले से स्टीम करके रखते हैं? जी जी, कस्टमर के लिए ना तो तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं, तो हम लोग कस्टमर के लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं। अच्छा, इसमें चिकन भी मौजूद होती है और मटन भी मौजूद है, सब कुछ है? जी जी बिल्कुल है ये, लेकिन पहले मटन करनी पड़ती है, उसके बाद चिकन करनी पड़ती है। सही है। तो ये क्या आप अभी ये आपने स्टीम किया हुआ है, इसके बाद क्या प्रोसेस है? अभी स्टीम कर लिया है, अभी ये ग्रिल होगा, किसी पे जाके ग्रिल होगा। सही है। अच्छा ये जो आपने निकाला है, इस पीस का वेट कितना है? ये 1 kg है पूरा। और कितने लोगों की सर्विंग है? 3 से 4 बंदे इडली खा लेते हैं। 4 बंदों की सर्विंग है राइस के साथ? राइस में रिफिलिंग है आपके पास? रिफिल भी मिल जाती है। चलिए ग्रेट। अच्छा इसकी प्राइस क्या है भाई? इसकी प्राइस 3900। 4 लोगों की सर्विंग है? 4 लोग। अब ये देख यार, चेक करो यार उसकी टेंडरनेस, चेक करो, ऐसा सॉलिड लग रहा है ना। जब उसको चावलों में डाल के हम तोड़ेंगे ना, तो फिर फैसल भाई के जो जदावे हैं वो चेक करके आपको बताएंगे इसकी टेंडरनेस क्या कह रही। भाई देखिए ये 1/2 kg का साइज है, ठीक है, और वो जो पहले देखा था हमने वो 1 kg का साइज था। ये 1/2 kg में तैयार दम्बो। भाई 1/2 kg आप कितने का दे रहे हैं? 1990। बिलाल भाई 1990। और ये सर्विंग कितनी है? 2 लोगों की सर्विंग है राइस के साथ। बिल्कुल भाई, ये आ चुका है मौजूद 1/2 kg का दम्पो का पीस, और ये आ चुका है 1 kg का पीस, और ये अब ग्रिल होंगे, स्टीम होके आ चुके हैं। बिलाल भाई ये बताएं, ये 1/2 kg वाला पीस और ये 1 kg वाला पीस दोनों आ गए। पहला प्रोसेस था इसका स्टीम का, और अभी आ गया है, अभी ये ग्रिल होगा और इसके बाद सर्विंग होगी। चलें ग्रेट। अच्छा भाई हमारे साथ मौजूद हैं अल फैसल रेस्टोरेंट के फेमस बिलाल भाई, और बिलाल भाई से हम पूछेंगे कि भाई इनकी डिलीवरी की लोकेशन, डिलीवरी और इनकी प्राइसेस वगैरह क्या है। बिलाल भाई लोकेशन बता दें जल्दी। लोकेशन मेन बल्दिया टाउन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे बहुत बड़ा। सही है। और उसी के मेन सामने ही पड़ेगा। ठीक है, डिलीवरी कहाँ तक पॉसिबल है? डिलीवरी ऑल ओवर कराची। वाह भाई, आप मंदी अपने घर बैठ के यागादाबाद में मंगा लें, गुलशन में मंगा लें, क्लिफ्टन में मंगा लें, वहीं पहुंचा रहे हैं।
लेकिन थोड़ा सा माइलेज का फर्क आएगा, जहाँ दूर होगा तो। चलो ग्रेट यार, बड़ा जबरदस्त टेंडर सा ये बना रहे थे, मटन चावल के साथ सर्व करेंगे। अभी बिलाल भाई में देते हैं तो इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि क्या जायका होगा। ठीक है बिलाल भाई, ठीक है। अच्छा आप मुझे टाइमिंग का और नंबर का भी बता दें, वो ऑडियंस के लिए अच्छा होगा। टाइमिंग यहाँ पे शाम 6 बजे से लेके रात के 2:30 तक। सही है। और नंबर बताएं, नंबर बताया था डिलीवरी का 0332353158। ग्रेट, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई ये बताइएगा, अल्फैसल रेस्टोरेंट आपका बल्दिया में वाकई, एग्जैक्ट एड्रेस बताएं लोगों के लिए। सर ये बल्दिया टाउन में मेन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, उसी के साथ उसी के बिल्कुल सामने पड़ेगा ये अल्फैसल रेस्टोरेंट। सही है, उसी स्ट्रीट पे। उसी स्ट्रीट पे। ठीक है, और मुझे बताइएगा डिलीवरी का क्या सीन है आपका। डिलीवरी हम ऑल ओवर कराची करते हैं। ऑल ओवर कराची करते हैं, पूरे कराची। मतलब अगर आपको बल्दिया से ऑर्डर अलासिफ से ऑर्डर आ रहा है तो आप बल्दिया ट्रीट करेंगे, चाहे क्लिफ्टन से आए तो आप करेंगे। ओ जबरदस्त। अच्छा आपकी ये सर्विंग की प्राइस आप बता दें, 4 लोगों की, 1 केजी की और आधे के जी की। सर ये 1 केजी का जो पीस है वो 250 रुपए का है और हाफ केजी का जो पीस है वो 190 रुपए। जबरदस्त। और डिलीवरी टाइम क्या होगा, अगर लेट से कोई कहता है कि भाई 1 केजी का दम पोखा आप मुझे डिलीवर कर दें, क्या टाइम होगा? ये क्या चीज है, इसको भी चेक करते हैं, बड़ा टेस्टी लग रहा है देखने में। अच्छा भाई हमारा ब्लैटर आ चुका है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे गेस्ट हैं और मैं इसमें से अपना हिस्सा लेके रिव्यू करता हूँ। ये मैंने गरम गरम चावल इसके 1 घंटे के साथ निकाले, ठीक है भाई, और इन चावलों के साथ मैं 1 पीस इसमें से, उसकी टेंडरनेस चेक करें यार, सॉलिड चीज है ये मैं रिव्यू में आपको दिखाता हूँ क्या चीज है। और इसके साथ जो गेम होता है ना सारा, इन सॉसेस का होता है, ग्रीन एंड रेड दोनों डालता हूँ और चेक करते हैं कि दोनों का टेस्ट क्या कह रहा है। ये लिया मैंने चमचा और इसको वैसे मैं हाथ से तोड़ के आपको दिखाता हूँ कि ये इसकी टेंडरनेस क्या कह रही है। ये सॉस मैंने इसमें मिलाया और सॉस मिलाने के बाद मैंने इसको भाई इसके अंदर नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग जब दमपोक बनाते हैं तो वो कच्चा होता है या प्रॉपर नहीं गला हुआ होता है। मैंने पहले इसको स्टीम किया, फिर ग्रिल किया और फिर सर्व किया राइस के साथ। बहुत जबरदस्त, बहुत टेस्टी है, हाईली रिकमेंडेड है भाई। इसके साथ जो है ना इन्होंने मटन की कढ़ाई भी भेजी है और बड़ी जबरदस्त कढ़ाई लग रही है टेस्ट में। थोड़ी सी हम इसको भी चेक करके देखेंगे, बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे। मैं रोटी के साथ इसका भी रिव्यू करके दिखाऊंगा, चेक करें। बहुत टेस्टी है, थोड़ा सा ये भी टेस्ट करते हैं, चिकन में बनी हुई है, देखने में बड़ी मजेदार लग रही है, कोई जूसी। थोड़ी सी रखता हूँ साइड में और ट्राई करते हैं, आपसे जायका शेयर करते हैं। जी मैंने रोटी थोड़ी भाई और ये मैंने इसके साथ चिकन का ये पीस लिया, तीनों आइटम का बड़ा डिफरेंट टेस्ट है। व्हाइट कढ़ाई अपनी जगह है और रेड जो कढ़ाई है वो जो मटन की है वो अपनी जगह है, लेकिन तीनों का टेस्ट आउटस्टैंडिंग है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे बड़ा अच्छा टेस्ट मिलेगा मुझे, नॉर्मली हम अलासिफ वगैरह जाते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग, हाईली रिकमेंडेड है, जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह दुआ देंगे। भाई ये मेरे पास चटखारा प्रोटीन की आई है अल्फैसल रेस्टोरेंट की और देखने में बड़े चटखारेदार लग रही है और मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ कि ये क्या कह रही है। एक बोटी मैं इसमें से ट्राई करता हूँ, चटखारा बोटी, और ये चेक करें आप, देखने में मुझे तिक्का लग रहा था लेकिन माउथ वाटरिंग आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल टिक्के जैसा टेस्ट आ रहा है इसका और बहुत ही जबरदस्त टेंडर सॉफ्ट है, आउटस्टैंडिंग, मस्ट ट्राई। यार देखें ये तीर का भी सीन है, इनके पास मटका प्याला मौजूद है और बहुत जबरदस्त है,
ट्राई करते हैं क्या कह रही है खीर। येलो येलो सी देखने में ये है लेकिन आप ये चेक करें, बड़ी जबरदस्त लग रही है, ट्राई करते हैं। शादियों वाली जो ट्रेडिशनल खीर होती है ना, जो आपको खीर का फील देती है, मतलब मैंने इनके चार पांच आइटम्स ट्राई करे और सब ही आउटस्टैंडिंग है, तो मेरे हिसाब से तो भाई मस्ट ट्राई। चिटिंग यहाँ पे तफ्तीन कि वो वहाँ तक लोग आके बैठे हुए हैं, भरपूर तरीके से इनकी डिलीवरी चल रही है। गुलशन सब जगह से डिलीवरी जा रही है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये हटेंगे तो औरों का नंबर लगेगा, और हटेंगे तो औरों का नंबर लगेगा, ठीक है। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंशाल्लाह मिलेगा किसी और वीडियो में, किसी और जगह और दुआ में। सलाम अलैकुम।